हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले व्लॉग में आपने देखा होगा हमारा दिल्ली का सफ़र, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और अब हम सब निकल चुके हैं अजमेर शरीफ के सफ़र में। स्टेशन से खाने के लिए हमने लिटिल हर्ट्स ले लिए थे, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी में निकले थे, ना ही चाय पी थी ना ही ब्रेकफास्ट किया था। ट्रेन की तरफ से हमें फिर पानी मिल गया और चाय मिल गई। बेसिकली इस तरह की चाय मिलती है जो आपको खुद बनानी पड़ती है। तो पानी वो गर्म दे देते हैं और साथ में सारे पाउचेस दे देते हैं। और ये सब करते करते देखिए गुड़गांव भी निकल गया है और यहाँ पे हमारी चाय जो है वो बन रही है। डिप डिप कर लिया गर्म पानी में और ये दूध पाउडर डाल दिया, बन गई चाय। दूध पाउडर खाने में बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स, आपको? जी बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन अभी चाय की बहुत ज्यादा तलब लगी है, इसलिए चाय बना रहे हैं। बिस्किट कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, हाथ डाल के निकाल। ये भी नहीं गिर गया, निकाल लिया कर तुमने आधा। अब क्या हो गया? आधा निकालने के चक्कर में और गिर गया। चाय पी लो, उसके बाद फिर हाथ से खा लेना उसको। हेलो ये ट्रेन एकदम फ्लाइट की तरह होती है, तो ब्रेकफास्ट भी मिलता है, ब्रेड बटर कटलेट ये सारी चीज़ें मिली थी। बैठे बैठे हाथ पैर सुन हो गए थे, थोड़ा खड़ा होने के लिए यहाँ पे आई थी। और जैसे तैसे करके हमारा सफ़र कट गया और ये आ गया अजमेर जंक्शन। हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आज एक ही दिन है हम यहाँ पे, आज क्या क्या करेंगे वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक अलग ही सुकून मिल रहा था कि इतने दिनों से जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो फाइनली होने जा रही थी। अजमेर शरीफ, जो हमने सोचा था हम शादी के बाद जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे आ गए थे। तो इस वक्त है हम चूड़ी बाज़ार में, यहीं पर ही हमने अपना जो होटल है वो बुक किया था, ऑनलाइन बुक किया था, तो हमें यही वाला मिला था। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये था हमारा रूम, छोटा था लेकिन जरूरत की सारी चीजें थी। बस ठंड में एक ब्लोअर की कमी थी, वो होता ना तो सारी चीजें हो जाती। मम्मा गई, अब मम्मा को याद कर रहा है, उसके पापा के पास रहता है। अरे वो नीचे क्यों नहीं है? देखिए मम्मा गई, कुछ मम्मा गई। फ्रेंड्स हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं, जिंदा रहो अभी। एक एक दिन में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और सुबह वाली जो ट्रेन थी वो ट्रेन तो बहुत अच्छी थी, अगर लेटने वाली सीट होती तो थोड़ा हम लोग आराम मिल जाता। लेकिन तुम मेरा टाइम मैनेजमेंट बताओ, शेड्यूल बताओ। शेड्यूल आपका बहुत ही ज्यादा बेकार था, कम से कम एक दिन दो दिन हर जगह रखना चाहिए। अपने पास टाइम बहुत कम था ना। हाँ अच्छा था, सब कुछ मैनेज बहुत अच्छे से किया, लेकिन थकान बहुत ज्यादा हो रही थी। तुमने सब कुछ मिटा दिया, सब कुछ मिटा दिया। सीट में बैठे बैठे सो के जब मेरी आँख खुल रही थी तो मेरे हाथ पैर दोनों में सुनसुनी सुनझुनझुनी क्या बोलते हैं। तो मैंने अपने हाथ में रख के सुला लिया उसका क्या। हाँ वो तो ठीक है। चलो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे अजमेर शरीफ की दरगाह। मजार के लिए निकलने वाले थे, कुछ खाया नहीं है, खा लेते हैं। अभी बज रहा है 3:30 और अभी हमने मंगाया क्या क्या आपको दिखाते हैं। ये छोले भटूरे, छोले भटूरे दही है और छोले भटूरे, पराठे, आलू पराठा, दही, चाय तो ठंडी हो गई होगी। ये है चाय की केतली। तो हम रेडी हो गए, सोचा इस बार ऐसे चले जाए क्योंकि फिर अच्छे से नहीं पढ़ पाते ना, इस बार सोच रहे हैं इस बार सही है। फ्रेंड्स उन्होंने हमें काफी दूर रिक्शा से उतार दिया और उन्होंने बोला कि अंदर अलाउ नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो बस हम मज़ार की तरफ जा रहे थे पैदल पैदल। काफ़ी रौनक वाली गली है, मतलब इस गली में क्या नहीं मिलता, हर एक चीज़ की शॉप थी और कुछ अलग ही रौनक थी इस जगह पे। पहले हम चलिए मज़ार चलते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। फातिहा हो गया है, ज़ियारत अच्छे से हो गई है, अभी हम जा रहे हैं देग की तरफ।
यहाँ पे कितनी सारी सारी चीज़ें पड़ी थी, जिसको जो भी देना था वो सबने देग में डाल दिया है और अभी चलते हैं वापस। ये चीज़ क्या थी ये मुझे पता नहीं चला, हमने काफ़ी देर से देखा, पढ़ने की कोशिश करी, पूछने की भी कोशिश करी, हमें नहीं पता चला। तो अगर आप में से किसी को पता है तो हमें बताइएगा। वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ से हमको हकीक लेना था। बेटी खाला ने बोला था कि मुझे हकीक ले आना, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था कि मुझे रेड कलर का ले आना। इन्होंने बताया कि हकीक में शायद 24 कलर आते हैं, अब पता नहीं एकदम ओरिजिनल होगा या नहीं होगा, लेकिन बेटी खाला ने मंगाया था, हमने ले लिया क्योंकि शेप भी अलग अलग आते हैं। तो रिंग में जो एकदम अच्छे से बैठेगा हमें वो वाला लेना था, और कुछ हमें तस्बीह लेनी थी हमने वो ले ली है। और उसके बाद बस हम निकल गए और बाहर निकले हैं, अब यहाँ भी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो बांधनी के सूट हमने अपने लिए, अम्मी के लिए, अम्मा के लिए, बाकी सारी कुछ कुछ चीज़ें जो देने के लिए हमें यहाँ से लेनी थी वो हमने ले ली है। उसके बाद हमारा मन था कि चलो जूस या लस्सी पीते हैं, तो वहाँ पे एक शॉप थी तो हम लोग वहाँ आके बैठ गए हैं। तुम्हें क्या लग रहा था वहाँ पे लस्सी रखी है बताओ क्या था वो? अब मैं दिखा कह रहा हूँ क्या रखा था वहाँ पे। यहाँ रखा हुआ है इसको लस्सी बोल रही है, ये ओरिजिनल है, खट्टी हम लोग लस्सी। नहीं, यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए स्वीट की शॉप पे, क्योंकि हमें सबके लिए मीठा कुछ लेके जाना था, तो यहाँ पे सारी वैरायटी थी। अस्सलाम वालेकुम, सीधा हाथ निकालो पहले, बिस्मिल्लाह बोलो। ये एक फैमिली थी फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी थी, इनकी अम्मी सबसे अच्छी थी। उन्होंने बोला कि दुआ में हम तुमको ये चूड़ियाँ पहनाना चाहते हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुमने चूड़ा नहीं पहना है, तो मैं उनको दिखाने गई थी। बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बत की चूड़ियाँ साथ हम भी अजूबे हैं हम लोग जितने भी हैं। अना सागर जाने के लिए टाइम खत्म हो चुका था, तो हमने बाहर से देख लिया और आपको भी दिखा दिया। ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे सेवन वंडर्स एक जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम लोग आ गए सेवन वंडर्स देखने, हमने कहा अभी देख लेते हो कि पता नहीं असली में सारी जगह देख पाएंगे या नहीं। सही है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने ताजमहल से। ये वॉल नहीं क्या है, लग रहा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। अगर होगी तो भाई सिर्फ 2000 रुपए दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ना हुई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हाँ, तो तुम मुझे एक जूते दिलाओगे। असली में आज तक ताजमहल नहीं देखा है, हमने आज तक नहीं देखा है ताजमहल, तो ऐसे देख लेते हैं। आगरा भी चलना है पता, काफी लोग बुला रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा साजा? सामने खड़ा है कर्नाटक से। मैंने कहा सर्दी पड़ी है तो शॉल निकाल के दे रहा है, इतना प्यारू है। अभी ये सस्पेंस खुलने वाला है कि ये क्या है। ये देखो रूम सर, मैंने बताया था सॉरी। शर्त हार गए हम लोग, शर्त हार गए पता है, मैंने बताया था ना रूम का एथेंस का कोई। कर रहा था तो हमने मंगाए थे गुलाब जामुन, ये दो सनी खा चुके हैं। नहीं है, मैंने ये वाला मत खाया। और ये देखो मुझे चूड़ियां दी थी उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशल फील हो रहा है। ये वाला क्यों नहीं खोल ले, क्यों ये खोलू? उल्लू बनाने के लिए। आज तुम लोग ऑर्डर करो और खाएंगे हम लोग। आप
आपके ब्लॉग में पहले सलाम बोल भाई जान आप भी आए शोएब भाई दीपिका भाभी सबको बहुत खुश करते ये बहुत हमारा अचीवमेंट है हमें बहुत अच्छा लगा डिनर हो चुका है फ्रेंड्स और यहाँ पे हमारा ट्रिप भी एंड ही होने जा रहा है बस जाते जाते एक बार मिल जाएंगे अब सो न जाए अभी तो जा रहे हैं ऊपर खा के बाद में हाँ हमारी ट्रेन जल्दी है इनकी ट्रेन बाद में ऐसा लग रहा है फिर से दिल्ली जाए फिर दिल्ली से बहुत आ जाए इंशाल्लाह आप मुंबई आना भाई लेके आना है मुंबई अज्जू मुंबई आएगा बोलो हाँ बोलो हाँ बोलो अज्जू की हमारी दोस्त ही ना हो पाई रात के 2 बज रहे हैं हम लोग निकल रहे हैं अजमेर के होटल से और जा रहे हैं स्टेशन क्योंकि हमारी ट्रेन है कितने बजे 3:20 की है तुम सोए थे या नहीं सोए नहीं सोए मैं सो गई थी जाके कमर फैशन हाउस से बोलेंगे इतना अच्छा प्रमोशन किया तुम्हारा खराब है आ जाओ चलो सीरियस है ये हुई ना बात ऑटो वाले भैया से बोला चाय पिला दो तो वो अपना चाय पिलाने के लिए आए हैं एंजॉय करेंगे ना हाँ एंजॉय करेंगे हमेशा की तरह सनी बहुत जल्दी इस बार तो बहुत जल्दी वक्त से पहले ले आया है टाइम का बहुत पंक्चुअल है लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा पंक्चुअल है कि 1 घंटा पहले ले आया अल्लाह हाफिज अजमेर बाबा फिर से बुलाए हम सबको 2:26 हो रहा है फ्रेंड्स और हमारी ट्रेन जो है वो 3:10 पे एक पे खाने का इंतजाम कर क्योंकि ये वाली जो ट्रेन है फ्रेंड्स इसमें खाना नहीं होगा हम लोग पहुंचेंगे शाम के 5 बजे तो पता नहीं खाना क्या होगा क्या नहीं होगा तो भूख लगेगी तो हम इससे काम चला सकते थक गई हम जा रहे हैं माता हमारी ट्रेन फ्रेंड्स स्टेशन पे आ चुकी है और इतना ज्यादा थके थे और नींद आ रही थी कि बस जाते साथ बिस्तर किया और सो गए 2 बज रहा है अभी सो के उठ चुके हैं और अभी जा रहे हैं ब्रश करने ब्रश करूंगा फिर कुछ आगे खाऊंगा लेकिन नींद पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाँ मैंने बहुत सोया तुम भी बहुत सोई हो अब हम खाएंगे फ्रेंड्स हम आ गए ग्वालियर ये वो घाटिया है जहाँ पे 1980 के आस पास यहाँ पे बुरा इसके बाद जहाँ से यहाँ अब आने वाला है झांसी और सबा को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि झांसी से बहुत सारी यादें है ना झांसी देखेंगे और कुछ खाने को भी देखेंगे भूख लगी है ना झांसी में देखते हैं क्या मिलता है कुछ मिलता है तो खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं ठीक है झांसी स्टेशन आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे भूख बहुत तेज लगी है खाने के लिए लेके आते हैं पक्का जल्दी चलो जल्दी इधर नहीं भी बहुत आगे उनको बोल दो डब्बे में भेज दें अरे वाह बहुत अच्छे लोग हैं कह रहे हैं डब्बे में दे देंगे दरवाजे के पास ही है बहुत सपोर्टिव लोग ही मिलते हैं बहुत अच्छे थे झांसी में वो बेचारी मेरी उसने हिम्मत बंधाई कि आप लोग आराम से उतर के ले सकते हो क्योंकि ट्रेन रुकती है और भैया भी बहुत अच्छे हैं वो कह रहे हैं ट्रेन में ही ला देंगे आप लोग जाओ टेस्ट ही नहीं दिला दो इधर दो पहले देखो पहले इंजन चेंज हुआ अभी इंजन तो लगा नहीं है ट्रेन में अभी कैसे जाएगी ट्रेन पहली बार इतनी हिम्मत करी तुम्हारे साथ रह के तारीफ करो उतरी हो जिंदगी में पहली बार हिम्मत दिखाई तुमने इसके लिए तुमको पुरस्कार मिलेगा क्या मिलेगा केला मिलेगा थैंक यू सो मच कितना हुआ ये इतनी अच्छी थाली फ्रेश गर्मा गर्म थाली मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप इनकी स्मार्टनेस का लेवल देखिए ट्रेन का भी इंजन अलग था इंजन चेंज हो रहा था और कहीं चल भी सकती है ऐसा कौन सा ट्रेन चश्मा नहीं लगाया हमें तुमने बस हमें बताया कि देखो बेबी इंजन चेंज हो रहा है मैंने कहा इसकी बात यकीन अभी करो मेरी बात यकीन नहीं है देख रहे हो आप आंखों से नहीं देखो देख रहे हो आप लोग मेरी बात का इसको यकीन बिल्कुल भी नहीं है डर होता है ना डर के आगे डर भर नहीं होता डर के आगे घबराहट होती है हम फ्रेंड्स लाइफ में कभी भी पापा को भी नहीं उतरने देते देखो खुशी जिंदगी में खाने से बढ़ के कोई चीज नहीं है फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं महोबा रेलवे स्टेशन ट्रेन हमारी 2 घंटा लेट पहुंची है हैप्पी जी अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू पहुंच गए महोबा स्टेशन अब पहुंचते हैं इंशाल्लाह आपसे घर मिलके अब मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह घर पहुंच के मतलब मोडा हमें रास्ते में एक शॉप पड़ती है वहाँ की मिठाई खानी थी बेटी खाला को तो बस वो उनको लेके दी कल मिलेंगे चलना चाय पी ले कल कल जा रहे हैं ठीक है लेट हो गए ना कैब लेकिन जानदार है कैब 8:34 बजे हम लोग आ पाए हैं बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम अब जा रहे हैं थोड़ी देर बैठेंगे अम्मा के पास उसके बाद डिनर करेंगे अम्मा ने कुछ बना के रखा होगा लेकिन अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है
क्योंकि अभी चाय वाय पी के आए थे। मैंने बनाया चिकन, मैंने बनाया चिकन। आप जाओ अपने दोस्तों को अपना मुंह दिखाया, तड़प रहे हैं आपके बिना और तुम भी तड़प रहे हो उनके बिना। खाना गर्म, मैं कह रही हूँ डियर तुम बाहर जाओ। अम्मा ने हमने दुनियादारी की बातें कर डाली, सारी बातें खत्म हो गई। अम्मा के लिए बुला से निको आ जाए। अम्मा ने हमारी स्पेशल दाल चावल चिकन और सब कुछ बना के रखा है। प्यारी क्यों लग रही हो? क्या लग रहा है? माशाल्लाह ऐसे हंसती। क्या बनाया? देखो ये देखो स्पेशल गाजर। बहुत ज्यादा थके थे फ्रेंड्स, ज्यादा शूट नहीं किया। सनी के हैंड्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे थे, तो ये मास्क हमने एक बार बहुत पहले खरीदा था मुंबई से, तो वो उसको हैंड्स में पहनाया है। मैं आपसे मिलती हूँ कल इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स।